इस वीडियो में हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में समझेंगे। तो इलेक्ट्रोड के बारे में आपने समझ लिया है, मानक इलेक्ट्रोड के बारे में भी आपने समझ लिया है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है ये भी आपने समझ लिया है। तो सारी चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, उसके क्या गुण होते हैं, उस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझ लिया। तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो जैसे अगर जिंक का इलेक्ट्रोड मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, एक जिंक की छड़ लूँगा, उसे जिंक सल्फेट के सोलूशन में डुबा दूंगा, वो क्या बन जाएगा, जिंक का इलेक्ट्रोड। कॉपर का इलेक्ट्रोड अगर बनाना है तो कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दूंगा, वो कॉपर का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। मानक सब कब लगता है भी मैंने बता दिया है कि जब विलयन की सांद्रता क्या हो, एक मोलर हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो मानक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बने, इसमें हमें हाइड्रोजन की छड़ लेनी पड़ेगी और उसको हाइड्रोजन के विलयन में डुबाना पड़ेगा। जिस पदार्थ की छड़ होती है उसी पदार्थ के विलयन में उसको डुबाया जाता है। तो सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या ये है कि हाइड्रोजन तो गैस है तो इसकी छड़ कैसे बनाई जाएगी, एक समस्या है। इसलिए कुछ विशेष सिस्टम का प्रयोग करके हाइड्रोजन गैस और उसका विलयन बनाना तो आसान है। जैसे अगर हमने किसी एसिड का विलयन ले लिया, जैसे HCl का ही विलयन ले लिया, तो उसमें H+ आयन तो है, H+ आयन का विलयन आसानी से बन जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन गैस की जो छड़ है इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए एक सिस्टम का प्रयोग करते हैं और उसी सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्लेटिनम की छड़ जो कांच में एक नली से जुड़ी होती है, देखिए मैं पहले फिगर आपको दिखा दे रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ। ये कोई बर्तन है जिसमें एक मोलर HCl का विलयन है, H+ आयन। भाई HCl होगा तो उसके आयन से क्या बनेगा, H+ और Cl-, तो हमें Cl- नहीं मतलब है, H+ से मतलब है। तो यह एक मोलर H+ आयन का क्या है, विलयन है। इसमें एक नली उल्टी करके रखी गई है, इसके बीच में एक प्लेटिनम की छड़ है, इस नली से एक पतली सी नली जुड़ी होती है जिसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है एक वायुमंडलीय दाब पर। तो ये जो प्लेटिनम की छड़ होती है ये हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करती है। अधिशोषण क्या होता है, जब कोई भी गैस किसी धातु की सतह पर जुड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण एक सरफेस फेनामिना, कैसा फेनामिना, सरफेस पे यानी सतह पर होने वाली क्रिया। तो यह तो H+ आयन का विलयन है और इसके ऊपर कौन सी गैस भरी है, हाइड्रोजन गैस। इस तार के माध्यम से H+ आयन और हाइड्रोजन गैस के बीच में साम्य स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर भले हम हाइड्रोजन गैस की छड़ नहीं बना सकते हैं लेकिन इस छड़ के माध्यम से, प्लेटिनम की छड़ के माध्यम से ये हाइड्रोजन की जो भरी हुई गैस ऊपर होती है और यहाँ पर H+ आयन का विलयन होता है, इसके मध्य जो होता है साम्य होता है, आपस में रिएक्शन होती है। तो इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस और H+ आयन के मध्य इलेक्ट्रोड बनता है। मानक शब्द इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि ये जो विलयन है इसकी मोलर सांद्रता जो है एक मोलर है और यहाँ पर जो पूरा का पूरा सिस्टम का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन गैस और H+ आयन का जो विलयन है इसके मध्य साम्य स्थापित होता है। साम्य स्थापित करने का काम ये प्लेटिनम की छड़ करती है। प्लेटिनम एक निष्क्रिय धातु है और इसलिए यह अम्ल से किसी प्रकार की रिएक्शन भी नहीं करती है और साम्य स्थापित करने का काम आसानी से हो जाता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा,
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्लेटिनम की छड़ जो कांच में एक नली से जुड़ी होती है पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है, इसमें क्या करते हैं प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ा देते हैं ताकि वो बिल्कुल क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाए। इस छड़ के निचले सिरे पर एक प्लेटिनम की प्लेट होती है, निचले सिरे पे देख रहे हैं प्लेटिनम की क्या एक प्लेट लगी है। छड़ को यहाँ पर को है, 1 मोलर सांद्रता वाले HCl विलयन में डुबा दिया जाता है। इस नली में एक वायु, देखिए छड़ को, ये जो पूरी छड़ है इसे 1 मोलर सांद्रता वाले HCl के विलयन में डुबा देते हैं और जो नली है जो ऊपर खाली जगह है उसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन की गैस प्रवाहित करते हैं। ये जो नली है इसमें क्या प्रवाहित करेंगे, हाइड्रोजन की गैस प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन की गैस अधिशोषित हो जाती है। ये जो प्लेटिनम की छड़ होती है इस पर हाइड्रोजन की जो गैस होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है, अधिशोषित हो जाती है। जो हाइड्रोजन आयन का मतलब H प्लस, इसमें विलयन में क्या है H प्लस आयन है, हाइड्रोजन आयन के मध्य साम्य स्थापित करती है। कौन इसमें साम्य स्थापित करने वाली चीज़ है, यही प्लेटिनम की छड़ है। यहाँ पर हाइड्रोजन की गैस है और नीचे क्या H प्लस आयन है, तो इन दोनों के मध्य साम्य स्थापित करने का काम क्या करती है, प्लेटिनम की छड़ करती है। तो इसमें देखिए रिएक्शन क्या होती है, H2 इसमें चेंज होता है, एच प्लस आयन हो 2 इलेक्ट्रॉन में, और कभी कभी क्या होता है एच प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन की गैस में भी बदलता है। तो ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इस पे दोनों अभिक्रियाएं संभव हैं, ऑक्सीकरण भी संभव है, अपचयन भी संभव है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसका जो प्रयोग होता है यह हम कैथोड के रूप में भी कर सकते हैं और एनोड के रूप में भी कर सकते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव शून्य 0.00 वोल्ट होता है, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 0 वोल्ट होता है। अब इसका उपयोग देखिए, हेडिंग डालिएगा, मैं नहीं डाल पाया था क्योंकि अलग कलर की पेन नहीं थी, तो हेडिंग डालिएगा उपयोग, क्योंकि एग्जाम में उपयोग भी पूछा जाता है। इसका प्रयोग करके हम कुछ धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, कुछ नहीं बल्कि सभी धातुओं का, जितनी भी धातुओं पदार्थों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके ही ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं, तो पहले हेडिंग डालना जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जब हम जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या होता है, 0 होता है। तो किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव केवल ऐसा नहीं होता है कि एक धातु का आपने विलयन लिया, लवण का विलयन लिया और उसमें धातु को डुबा दिया और उसके धातु और विलयन के मध्य आपने विभव को नाप लिया तो आपको इलेक्ट्रोड विभव मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ विभव तो मिलेगा ही लेकिन एग्जैक्ट मान हमको प्राप्त नहीं हो पाता। एग्जैक्ट मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक गैल्वानिक सेल बनाते हैं और उस गैल्वानिक सेल में एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव की आप कैसे करते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1.0 मोलर रेडियन प्लस 2 आयन की सांद्रता के विलयन में जिंक की छड़ डुबा देते हैं, ठीक है, 1 मोलर रेडियन प्लस 2 आयन की सांद्रता के विलयन में जिंक की छड़ डुबा देते हैं। यह जिंक छड़ मानक जिंक इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, किसका कार्य करती है, जिंक इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। इसको पहले मैं बता चुका हूँ कि जिंक सल्फेट के विलयन में हम क्या डुबाते हैं, जिंक की छड़,
तो वह जिंक इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। तो जेड एन प्लस टू आयन की सांद्रता कितनी हो, एक मोल हो, उसमें क्या डुबाएंगे, जिंक की छड़, तो जिंक इलेक्ट्रोड बन गया। अब जिंक इलेक्ट्रोड पे जानते हैं कि जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, धनायन बनाने की क्षमता। तो जिंक के जो छड़ के परमाणु होंगे यह दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और जेड एन प्लस टू आयन बनाएंगे और वो कहाँ चले जाएंगे, विलयन में। तो छड़ क्या हो जाएगी, निगेटिव, यानी छड़ किसका काम करेगी, एनोड का। एनोड किसको कहते हैं, जिस पर ऑक्सीकरण होता है, एक ऐसी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने फिगर भी बना के समझाया है। इस सेल की अर्ध अभिक्रिया निम्न लिखित होती है, Zn प्लस, Zn जो है ये सॉलिड है, इसके बाद प्लस H प्लस आयन एक्वस है और Zn प्लस टू एक्वस में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन की गैस होगी। ये जो है अभिक्रिया होती है, कैसे अभिक्रिया होगी ये तो आप जान ही रहे हैं कि जिंक की छड़ पर यह अभिक्रिया होती है, क्योंकि जिंक के अंदर धनायन बनाने की क्षमता होती है। तो अगर एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो दूसरे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यूज़ में आएंगे। तो उसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, उसको मैं दिखा नहीं। जैसे एक रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये जिंक सॉलिड है और इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के ये जेड एन प्लस टू आयन बना रहे हैं, तो दूसरी रिएक्शन में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो H प्लस आयन जो विलयन में हो एक्सेप्ट कर लेंगे और हाइड्रोजन की गैस में बदल जाएंगे। बस समझ में आ रही नहीं आ रही, यानी एक इलेक्ट्रोड पर यह अभिक्रिया होगी, दूसरे इलेक्ट्रोड पर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर यह अभिक्रिया होगी। तो जब जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसे कट जाएंगे और जो हमारी मेन रिएक्शन लिखी है ये आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, अब देखिए इस सिस्टम को देखिए, देखिए एक बर्तन है जो एनोड का काम करता है। तो एनोड जानते हैं, लोन मैं पहले समझा चुका हूँ, लोन है ना। तो एनोड जो होता है वो लेफ्ट में बनाया जाता है, तो लेफ्ट में मैंने बनाया, इस पर क्रिया जो होती है ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जिंक सल्फेट का विलयन है, इसमें डुबाई गई जो क्षण है वो जिंक की क्षण है। दूसरे बर्तन में H प्लस आयन रखक का विलयन है, मतलब कि एक मोलर HCl का विलयन है और इसमें हमने एक कांच की छड़ डुबाई है जिसमें प्लेटिनम की छड़ लगी हुई है, नीचे प्लेटिनम की प्लेट है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, यानी ये हाइड्रोजन, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसको हम एक वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं और इस दोनों विलयन को हम सॉल्ट ब्रिज से लवण सेतु से जोड़ देते हैं। ये सारा सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा, इसके पहले भी मैं इसको समझा चुका हूँ गैल्वानिक सेल में ना। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन नॉट सेल, इस सेल का जब हम विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं वोल्टमीटर की जो रीडिंग होती है वो कितनी होती है, 0.76 वोल्ट। अब जो विद्युत वाहक बल निकालने का फार्मूला होता है, ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पर एनोड जो है वो जिंक वाली छड़ है, कैथोड जो है वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो होता है वो जीरो होता है, एनोड ये एनोड है और ये कितना है, 7.6। तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा ई एनोड बराबर हो जाएगा -7.6 वोल्ट। अतः जिंक का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव -0.76 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव समझ लिया और
ये भी समझ लिया कि उसका उपयोग कैसे होता है। तो इस में हमने ये समझा है कि ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसका उपयोग जो होता है वो कैथोड के रूप में कैसे होता है। अब अगली वीडियो में हम लोग इसका सेकंड पार्ट समझेंगे और इस बात को समझेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग जो होता है वो एनोड के रूप में कैसे किया था। यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड के रूप में प्रयोग में लाया गया। हाँ, इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पर जो अपचयन विभव यूज में आता है वो कौन सा होता है? मानक अपचयन विभव। लेकिन कुछ कुछ किताबों में ई एनोड माइनस ई कैथोड दिया रहता है, तो ई एनोड माइनस ई कैथोड अगर दिया है तो वहाँ पे जो अपचयन विभव यूज में आएगा वो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का यूज में आता है। ठीक है, अगर ई एनोड माइनस ई कैथोड है तब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और ई कैथोड माइनस ई एनोड है तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा और अगली वीडियो में मैं फिर से समझाऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आदमी नहीं जानता है। तो कहीं कहीं लिखा होता है ई एनोड माइनस ई कैथोड, कहीं ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो उसमें कन्फ्यूजन होती है। तो अगर ई कैथोड माइनस ई एनोड है तो आप इसको समझिएगा कि यहाँ पर मानक अपचयन विभव लिया गया है, और ई एनोड माइनस ई कैथोड है तो समझिएगा कि यहाँ पर मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिया गया है।